नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखकर चौंक जाएंगे, बिल्कुल आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, शुक्रिया। मेरे दोस्तों, ये वीडियो जो बनाया गया है आपको थंबनेल पर दिखा दिया गया है, जिस टॉपिक पर है आप चौंक गए होंगे इसको थंबनेल को देख कर के। दारुलूम देवबंद के अंदर दारुलूम के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी से मुलाकात करने पहुँचे आरएसएस के लीडर और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरबरा इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार ये आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं और इन्होंने प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम लेकर दारुलूम देवबंद पहुँचे। जब से तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी के बराबर में इंद्रेश कुमार जो के आरएसएस के बड़े लीडर हैं, दोनों साथ बैठे हैं और भी कुछ साथी हैं जो उनके साथ गए। ये सब दारुलूम के मेहमान खाने के अंदर तशरीफ़ रखते हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। लेकिन नाज़रीन, जब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है तब से ही फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर एक हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने अब तक दारुलूम के बयान का या मुफ्ती साहब के कोई बयान का इंतज़ार भी नहीं किया, अपने से ही खुद ब खुद तरह तरह के पोस्ट और तरह तरह के उनवान लिखकर फेसबुक व्हाट्सएप पर छोड़े जा रहे हैं। मतलब इसको ऐसे समझा जा रहा है जैसे कोई दारुलूम ने हराम काम कर लिया हो। अरे जब ये तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है कि जब कोई दुश्मन भी आपके पास आए तो आप उसको प्यार से, इकराम से इज्जत देते। ये तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है कि आपने आने वाले को, अपने मेहमान को, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इकराम किया है। तो वहाँ पर गए प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर। वो अलग बात है कि वो आरएसएस की एक अपनी सोच रही है, मंशा रही है, लेकिन आपको याद होना चाहिए अभी नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों को लेकर एक अहम पैगाम दिया था। उसके बाद से ही मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा बदली हुई है, लोग मोदी की तरफ, मुसलमान मोदी की तरफ खींच रहे हैं और मोदी जी भी कुछ ना कुछ दिन बाद मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें निकाल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बड़ा तोहफा मुसलमानों को जो दिया वो 5 करोड़ नौकरियों का है, 5 करोड़ स्कॉलरशिप का है जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो मतलब लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ खींच रहे हैं। तो इसी तरह आरएसएस ने शुरुआत की, पहल की और वो दारुलूम तशरीफ़ ले गए। तो हमें अभी दारुलूम देवबंद के बयान का इंतज़ार करना चाहिए और मैं तो समझता हूँ इसमें तो कोई बयान की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेहमान बनकर वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, इकराम करना वो उनका फ़र्ज़ था क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है कि जब मेहमान आए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका इकराम किया जाए। तो अभी हम इस पर और मज़ीद तफसीली वीडियो बनाएंगे, जो दारुलूम के बयान आने के बाद, दारुलूम के मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी का बयान आने के बाद आपको बताएंगे तफसील के साथ क्या क्या उनकी बातें हुई, किस किस तरह की, किस किस टॉपिक पर बातें हुई। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो फेसबुक व्हाट्सएप के लिखारी है ना, जो हर टाइम बैठे हुए बस लिखते रहते हैं और उल्टे सीधे मजमून इससे रिलेटेड छोड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा अभी अपने हाथ को रोक लीजिए, कोई हराम काम तो नहीं है, इसको इतना मत उलझाइए। इससे पहले भी दारुलूम नदवतुल उलमा के अंदर राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी जा चुके हैं, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ईद पर भोपाल के शहर काजी से मुलाकात कर चुकी है। तो इस तरह की फिज़ा बदली हुई है, तो आप लिखने में थोड़ा परहेज़ करें भी। शुक्रिया दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।